मन बुद्धि से कोई अर्पण हो जाए 100% तो उसका तन और उसका धन कहाँ जाएगा? अर्पण में स्टेज में ही जाएगा और उसकी निशानी होगी मन दर्पण बन जाएगा, ज्ञान का दर्पण। मन में मनन चिंतन मंथन खुल जाएगा, आत्मा के अनेक जन्मों की कहानी खुलने लगेगी। जैसे शीशे में अपना चेहरा भी दिखाई पड़ता है और दूसरों का भी चेहरा दिखाई पड़ने लगता है। जितना अर्पण में उतना दर्पण पावरफुल होगा। तो बोला हाँ रहस्य लीला, जिस लीला में रहस्य भरा हुआ है उस रहस्य को सब कोई नहीं पहचान पाएंगे। जो 16,000 की लिस्ट में आने वाले हैं, गुप्त पुरुषार्थी हैं, गोप गोपियां हैं और जो राज परिवार में आने वाले हैं, माना राजयोगी हैं, जो 16,000 के प्रिंस प्रिंसेज की माला में आने वाले हैं, राज परिवार के भांति हैं, रहस्य को जानने वाले हैं, उनके बीच ही वो रहस्य लीला होती है। उसको कहते हैं रास लीला। अरे जो छोटी गोपी होगी उसके साथ छोटा दिखाया जाएगा, जो बड़ी गोपी होगी उसके साथ बड़ा दिखाया जाएगा, नहीं तो जोड़ी कैसे बनेगी? ज्ञान का मतलब ये है कि जो नारायण का पार्टधारी है उसकी पहचान बताई है, वो सबके साथ मिक्स होकर के रहेगा, बच्चों के साथ बच्चे जैसा हो जाएगा, बूढ़ों के साथ बूढ़ों जैसा हो जाएगा, माताओं के साथ माताओं जैसा हो जाएगा, कन्याओं के साथ कन्याओं जैसा हो जाएगा। हाँ
हाँ, बैरागी का क्या काम? और बाबा हमेशा बोलते हैं काम से बाबा आते हैं, बाबा बोलते हैं काम शिक्षा और ज्ञान शिक्षा से ज्ञान शिक्षा माया ज्ञान शिक्षा और काम शिक्षा में जाती है। बाबा बोलते हैं हमें प्रत्येक आत्माओं का जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक दिन की आत्माओं का शिक्षा को जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्या होगा? परमात्मा का दिल को हम बाबा बोलते हैं कि हमको जानने का जरूरत नहीं, बाबा 500 करोड़ आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु है। वो शिव ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आता है तो मुख्य मुख्य जो हीरो पार्टधारी हैं नंबर वार, उनकी जीवन कहानी बताता है या 500 करोड़ की बताएगा? हाँ हाँ, माने सबके जीवन कहानी को बताएगा या कोई मुख्य मुख्य की जीवन कहानी को बताएगा? हम ब्राह्मणों में भी वैरायटी है या एक रूप के हैं? मुख्य वैरायटी कितनी है बस उनका बताता है। वो ही आठ मेरे बच्चे हैं जो आत्म के रूप में स्थित हो जाते हैं, बाकी तो देहबान त्याग ही नहीं पाते, तो धर्मराज की सजाएं खाते हैं, उनके बारे में मैं क्यों बताऊंगा? मैं किसको पढ़ाता हूँ? आत्मा को पढ़ाता हूँ। तो आत्मा कितने बनते हैं? आठ ही तो आत्मा बनते हैं, बाकी तो देह अभिमानी सांडे रह जाते हैं। परसेंटेज में तो सजा खाते हैं। उनकी जीवन कहानी को जानकर मैं क्या करूंगा? बाबा से आत्मिक स्थिति बाबा आत्मा ही तो बनता है ना? है 100% आत्मिक स्थिति। हाँ जी, अष्टदेव का ही तो बनते हैं। हाँ जी, अभी सब नंबर वन। आत्मिक स्थिति बनेगी तभी तो सजा नहीं खाएंगे। देवभान अगर रह जाएगा तो सजा के भागीदार बन जाएंगे। तो आठ ऐसे निकलते हैं जो सजा नहीं खाते हैं, फिर भी नंबर वार है। ऐसे नहीं कहेंगे एक जैसा पार्ट बजाने वाले हैं। और अभी अभी तो प्रश्न पूछा था, उस समय पूछा था, बुद्धि में बात बैठी तो सबने कह दिया हाँ बैठ गई। अभी फिर वही प्रश्न, अरे संगम भी कृष्ण होगा तो उसकी कहानी शास्त्रों में है या सतयुग में पैदा होने वाले कृष्ण की इस कहानी शास्त्रों में है? तो संगम युगी कृष्ण 18 में होगा या 2036 के बाद होगा, कहाँ होगा? हैं? संगम युगी कृष्ण संगम युग में होगा। संगम युग की संपन्न स्टेज कहाँ से शुरू होगी? जब कहेंगे संबत एक एक एक, वो संबत एक 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 की हिस्ट्री सतयुग से शुरू होगी या संगम युग के अंदर शुरू होगी? संगम युग के अंदर शुरू होगी। तो संगम युग में ही कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ सारी दुनिया के बीच अखबारों से, टीवी से,
रेडियो से चारों ओर बाप ज्ञान सूर्य की प्रत्यक्षता होती है संगम युगी कृष्ण बच्चे के द्वारा। तो कहेंगे कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता, विदेशी लोग भी उसको पहचानेंगे लाड कृष्ण के रूप में, लाड नारायण नहीं कहेंगे है? वो गर्भ की बात थी, गर्भ का आदि और गर्भ का अंत। और बताओ बताओ हिंदी में बताओ क्या बात। क्रमानुसार का बात बोल रहे हैं, क्रमानुसार का बात बोल रहे हैं, तीन नंबर का चार युग है, चार युग है तो द्वापर को दो नंबर में आना चाहिए बोल रहे हैं। द्वापर को दो नंबर में नहीं आना चाहिए, सत्य युग माना आठ है सत्य और त्रेता माना तेरह, जहाँ तेरह जन्म होते हैं उसका नाम रख दिया त्रेता युग, और जहाँ दो दो मतें हो जाती हैं, दो दो राज्य हो जाते हैं, दो दो भाषाएं हो जाती हैं, दो दो धर्म हो जाते हैं उसका नाम है द्वैतवाद, द्वापर। अब द्वैत नहीं है, द्वैत है, दो दो देश हैं, हर बात में द्वैत, एकता नहीं है, इसलिए उसका नाम द्वापर है। दो नंबर नहीं क्या? हाँ, दो दो बातें हैं, दो नंबर नहीं है। हाँ जी, आठ माना अष्ट देव हैं, सोलह कला संपूर्ण और कीर्ति कला वाले। उसके नाम के आधार पर सत्ययुग, उनसे जो जन्म लेने वाले नारायण हैं वो सत्य नहीं है, लेकिन अष्ट देव सत्य हैं। आठ नारायण होंगे वो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनकी कलाएं कम होंगी लेकिन अष्टदेवों की कलाएं कम नहीं होंगी। लौकिक जीवन में भी, लौकिक जीवन में भी वो सारा जिंदगी परिधान करके रहेंगे, आखिरी जन्म के अलावा। माया किसी को छोड़ती नहीं है, इसलिए माया को बोला है सर्वशक्तिवान, माया भी सर्वशक्तिवान है। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, माया भी सर्वशक्तिवान है, हाथ को भी नहीं छोड़ती। और जो महीना होता है मुसलमानों का, जिसमें वो विशेष व्रत उपवास करते हैं, उस महीने का नाम रखा है रमजान। उस महीने में जरूर, जैसे अपने यहाँ श्रावण माना जाता है विशेष महीना, वो संगम युग की यादगार है, ज्ञान बरसात की यादगार है, ऐसे ही उनका एक महीना है रामजान।
उन्होंने राम को जाना है, इसलिए नाम पड़ गया रामजान। उनका जो एक तीर्थ स्थान है उसका नाम भी है राम अल्लाह। अल्लाह कौन है? राम है अल्लाह। इसलिए मुरली में बाबा ने बोला है, सबसे पहले कौन से धर्म वाले मरेंगे? पहले इस्लामी मरेंगे, पहले इस्लामी तो मरे। विधर्मियों के बीच में पहले पहले जिंदा कौन हुए? हैं? इस्लामी जिंदा हुए तो मरेंगे भी, मरेंगे भी पहले। और सहयोगी है और बोला है कि कृष्ण बिजनेस के निमित्त बनता है, तो वो चार के आदमी चार में ही होगा और क्या? और वन देवी की पूजा होती है। हाँ तो क्या वन देवी का रहस्य क्या है? तुलसी दो प्रकार की होती है, एक घर गृहस्थ में तुलसी होती है उसको वन देवी कहेंगे या घर गृहस्थ की देवी कहेंगे? वो वन देवी नहीं है। और काले पत्ते वाली जो तुलसी होती है वो जंगल में ही पनपती है, अगर घर गृहस्थ में लाके रख दी जाए तो वो पनपती नहीं है, इसलिए उसको वन देवी नाम कहा गया है। और नष्ट करना दुनिया को, अभी भी जो भगवान कार्य कर रहा होगा उस दुनिया को वो नाश करने में लगे हुए होंगे। उनका काम ही है नाश करने का, विघटन करने का। उनमें मुख्य है क्रिश्चियन धर्म का बीज। जो क्रिश्चियन धर्म का बीज है वो जो मंदिर बनवाता है यादगार मंदिर, उसका नाम क्या रखवाता है? गिरजाघर। जरूर उसके अंदर ये संकल्प चलता है, हे भगवान के बने बनाए घर तू गिर जा। तो उसका काम ही है विघटन करना, गिराना। और जो लास्ट विनाश होगा, त्रेता के अंत में लास्ट नहीं होता है, अर्ध विनाश होता है। क्या पूछ रहे हैं? त्रेता के अंत में नहीं, त्रेता के अंत में 10 करोड़ होते हैं। आधा विनाश हो जाता है तो कितने बचते हैं? 4-5 करोड़ बचेंगे। तो अर्ध विनाश कहा जाता है, आधों का विनाश हो गया आधे बच गए। जब संपूर्ण विनाश कब होता है? कलयुग के अंत में। तो कितने बचेंगे? हैं? आधे बचेंगे या ना के बराबर बचेंगे? ना के बराबर, इसीलिए वो संपूर्ण विनाश है। और
शंकर का काम क्या बताया गया है? शंकर द्वारा विनाश, लेकिन मुरली मोला शंकर थोड़ा ही करता है। शक्तियां करती हैं, विनाश कारिणी शक्तियां गाई हुई हैं, संहार कारिणी या शंकर गाया हुआ है? शक्तियां संहार कारिणी गाई हुई है, लेकिन उन शक्तियों को प्रेरणा देने वाला कोई होगा या नहीं होगा? तो प्रेरणा तो कोई पार्ट नहीं है, वो तो अंदर के बुद्धियोग की बात है, इसलिए कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। निमित्त तो कोई ना कोई को बनाता है, शक्तियां संहार कारिणी है, विनाश कारिणी है। विनाश होता है इम्प्योरिटी से या प्योरिटी से? इम्प्योरिटी से होता है विनाश, अपवित्रता से होता है विनाश, विविचार से होता है विनाश। तो विविचार में सिर्फ शक्तियां ही होंगी या शक्तियों के साथ कोई सत्ता भी होंगे? अकेली कर लेंगी क्या? है असुर भी चाहिए, इसलिए उनको भी दिखाया गया। इस्लाम धर्म का भी बीज होगा तो बौद्ध धर्म का भी बीज होगा तो क्रिश्चियन धर्म का भी बीज होगा। और जब ज्ञान की प्रत्यक्षता हो जाएगी तो भक्ति बचेगी या खलास हो जाएगी? जब आती हो जाएगी तो अंत हो जाएगा। भक्ति की भी अति होती है, भक्ति आती है रावण से, रावण का चरित्र दर्शाने वाला चित्र वर्ष वर्ष बढ़ता जाता है, तो बढ़ता ही रहेगा या उस अति का अंत भी होगा? अंत होगा। जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी बच्चों में तो भक्ति का अंत हो जाएगा। अभी बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है, कोई ने कुछ कह दिया, ग्लानी कर दी, गाली दे दी, डाउन करने वाला वाक्य बोल दिया, सूंड नीचे लटक जाती है, चेहरा खराब हो जाता है, तो उनको कहेंगे ज्ञान की पराकाष्ठा वाले? नहीं। ज्ञान की पराकाष्ठा माना कैसे भी व्यक्ति हो गिराने वाले, कैसा भी माहौल हो, कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी कुदरत की विकराल परिस्थितियां हो, गवर्नमेंट तामसी हो, माया का विकराल रूप सामने डांस कर रहा हो, लेकिन ऐसी स्थितियों में भी अपने को स्थिरियम बना के रखना, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, और कर्म करते हुए भी जैसे कर्म किया किया नहीं किया, अपने ऊपर अथवा अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, निस्तेजता नाम मात्र की ना आने पावे, उसको कहेंगे ज्ञान की पराकाष्ठा।
नहीं हो है? अभी जो बोला कि कर्म किया हुआ ना किया हो बराबर नियम की होगा तो कर्मातीत अवस्था। हाँ जी, कर्मातीत अवस्था का मतलब है कर्म से अतीत की स्टेज। प्रश्न क्यों पैदा होता है? प्रश्न पैदा होना माने संशय या अनिश्चय? अगर कोई पूछता है बाबा ऐसी स्थिति आ रही है, ऐसी परिस्थिति आ रही है, घर वाले ऐसा कर रहे हैं, सरकार ऐसा दबाव डाल रही है, हम शादी कर लें ना कर लें, ये प्रश्न क्यों? प्रश्न चित्त होना चाहिए या प्रसन्न चित्त रहना चाहिए? और नहीं, एक होता है बच्चा जन्म लेता है, ब्राह्मण बच्चा जन्म लेता है, और एक होता है ब्राह्मण बच्चा द्विजन्मा बनता है। पक्का ब्राह्मण कब कहा जाता है? जन्म लेते ही बच्चा ब्राह्मण है पक्का, या जब यज्ञोपवीत धारण करता है तो पक्का ब्राह्मण है। ये परंपरा कहाँ से पड़ी है? संगमयुगी ब्राह्मणों की दुनिया से ये परंपरा पड़ी, पक्का ब्राह्मण बनना, पक्का जन्म होना। जन्म होना माना प्रत्यक्षता होना। जैसे बच्चा पहले गुप्त होता है, पेट से बाहर आने के बाद संसार में प्रत्यक्ष होता है तो कहते हैं जन्म हुआ। उससे पहले तो पता ही नहीं है बच्चा है कि बच्ची है या जानवर पैदा होने वाला है, बाद में पता चलता है, प्रत्यक्ष होता है, उसको जन्म कहा जाता है। तो ऐसे ही सारी दुनिया की बुद्धि में, बाहर की दुनिया की बात छोड़ दो, आधार मूर्त ब्राह्मणों की दुनिया में अथवा बीज रूप आत्माओं की दुनिया में जो बाप समान बच्चा है उसके बारे में निश्चय बुद्धि है सब या अनिश्चय बुद्धि है? क्या कहेंगे हैं? निश्चय है। अभी बाप की प्रत्यक्षता एक मुकर्रर रथ में है, इस बारे में जो भी ब्राह्मण मात्र हैं वो सब निश्चय बुद्धि हैं सदाकाल, या कभी कभी अनिश्चय भी पैदा होता है? अनिश्चय होता है ना, तो जन्म कहेंगे हैं? अभी जन्म नहीं कहेंगे, पक्का पक्का जन्म नहीं हुआ। और ब्राइन क्रिश्चियन ये क्या है? हाँ, और एक आर्य समाजी है ना जो पुखराज कहा गया है, अष्ट रत्नों में जिसका नंबर नहीं है, नौवा नंबर है, उसकी वैल्यूलेस स्टेज कही जाती है। इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन उनकी तो फिर भी वैल्यू है, वो फिर भी पावरफुल है, लेकिन जो कांग्रेसियों का राज्य आता है, आर्य समाजियों का राज्य आता है, उस राज्य में तो कोई दम ही नहीं होती। इंडिया में
क्रिश्चियंस का जो राज्य था उसमें शासन में शासन सत्ता में ज्यादा ताकत थी या आज के शासन सत्ताधारियों में ज्यादा ताकत है? पहले की शासन सत्ता क्रिश्चियन जमाने की ताकतवर थी, अभी तो पुलिसिया राज्य है, गुंडों का राज्य है, ये कोई शासन शासन नहीं है, नाम मात्र का शासन है। इसलिए नौवें रत्न का नाम पुखराज है, वैल्यूलेस। ये शासन होना न होना बराबर बात है। पहले सूक्ष्म में काम संपन्न होता है या पहले स्थूल में काम संपन्न होता है? और सूक्ष्म में ब्राह्मणों की दुनिया में होगा या बाहर की दुनिया में होगा? ब्राह्मणों की दुनिया में जो इस्लामी हैं बेहद के बीज रूप आत्मा है अथवा आधार मूर्त आत्मा है वो पहले मरेंगी, जीते जी मरना पड़े और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब विश्वनाथ शंकर का राज प्रतिष्ठा होगा है? जब विश्वनाथ शंकर का राज इस दुनिया में प्रतिष्ठा होगा, राज चलेगा, तब इस दुनिया का जो सारा शासन तो बाबा बाबा के हाथ में आएगा ना, बाबा ही तो सारा दुनिया को कंट्रोल करेगा। क्यों बाबा के हाथ होते हैं? बाबा के डायरेक्शन से ही तो सारा दुनिया चलेगा ना। शिव बाबा के हाथ हैं शक्तियाँ। शिव बाबा के हाथ कौन है? शक्तियाँ हैं शिव बाबा के हाथ, उनके हाथ में राज सत्ता आ जाती है। इसलिए सिख लोग कहते हैं राज करेगा खालसा, जो पवित्र होंगे उनके हाथ में राज सत्ता आ जाएगी। बाबा हम पांडव की तो शिक्षा है ना, हम पांडव की तो शिक्षा है। पांडव वो आत्म की स्थिति के आधार पर शक्तियाँ हैं या देवान के आधार पर शक्तियाँ हैं? बन गई आत्मा नहीं हुआ है? चलो हो जाओ जल्दी जल्दी। देह का होना माताओं कन्याओं में ज्यादा होता है, पुरुषों में देह का होना नहीं होता है। इसलिए पुरुषों में जो संन्यास करते हैं वो नंगे भी फिरते रहते हैं। स्त्रियां ऐसा संन्यास करते हुए नहीं देखी जाती हैं। तो अच्छी बात है बुरी बात है? पकड़ा गया। हाँ भाई लोग छटपटा रहे हैं। बाबा ग्लोब देखा ना, पृथ्वी का ग्लोब, हाँ वो 70-30 में आविष्कार किया, लेकिन उसको बाद ऐसे हुआ तो वो की स्ट्रेट हो जाएगा बाद में जब खत्म होगा। एक सोचने की बात है, पृथ्वी है माता और चंद्रमा उसका बच्चा है, रचना है या रचयिता है? चंद्रमा क्या है? उपग्रह है, माने रचना है।
ये ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का प्रभाव अस्तित्व पृथ्वी से अलग होगा या पृथ्वी से मिला हुआ होगा है? सत्युग त्रेता में मिक्स हो जाएगा। तो जब चंद्रमा का हिस्सा जो प्रशांत महासागर अभी बना हुआ है वो पृथ्वी का बैलेंस त्रेता के अंत में दोलायमान होने से अलग हो जाएगा तो पृथ्वी का उपग्रह बनेगा। वो हिस्सा पृथ्वी का खाली हो गया तो बैलेंस बिगड़ जाएगा या ज्यों का त्यों बैलेंस रहना चाहिए? बैलेंस बिगड़ जाता है। और हाथ उठाओ। हाँ बोलो बोलो पूरी बात बोलो। इक्कीस कुल का उद्धार जो है शिव शक्तिया के द्वारा होगा या पांडव के द्वारा? इक्कीस कुल का उद्धार करने के निमित्त मुरली में किसको बताया है? मिसाल किसका दिया है? कन्याओं का दिया है या कंडुओं का दिया है? है कन्याओं का मिसाल दिया है। कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार 21 पूरी का उद्धार करने वाली हो वो कौन सी कन्या होगी जिसकी दी पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी 21 कुल का उद्धार हो जाएगा? है बहुत कन्याएं होंगी तो पवित्र होगा। वो कौन होगी? आपका जो बच्ची बनेगी है का जो बच्चा बनेगा वो कौन है? हाँ बेहद की कुमारिका कहें तो भी ठीक। क्या मुरली में कुमारिका की बढ़ाई करते हैं या ग्लानी करते हैं? शिव बाबा मुरली में कुमारिका की बढ़ाई करते हैं या ग्लानी करते हैं? बढ़ाई करते हैं। तो बेहद की कुमारिका है या हद की कुमारिका है? बेहद की कुमारिका कौन है? छोटी माँ। और समझ में आया क्या? ज्ञान की भाषा में ज्ञान चंद्रमा किसका पार्ट है? ब्रह्मा का पार्ट है ज्ञान चंद्रमा। वो ज्ञान चंद्रमा की आत्मा अभी अधूरी है या संपूर्ण है? हैं? अधूरी है। जितने भी विधर्मी आत्माएं हैं चाहे दुनिया में है चाहे आधार मूर्तों की बेसिक नॉलेज में है और चाहे एडवांस नॉलेज में है वो श्रेष्ठ ब्रह्मा को मानती है या राम वाली आत्मा को श्रेष्ठ मानती है? ब्रह्मा को श्रेष्ठ मानती है। इसलिए मुसलमानों में उनका जो झंडा होता है उसमें अर्धचंद्र दिखाया जाता है अधूरा चंद्रमा।
हाँ तो तारा का यह जन्म की जगदम्बक है। हाँ जी बाबा, अभी जो बोला जब तक विनाश नहीं होगा तब तक तो परमधाम में कोई भी आत्मा नहीं जा सकता है ना। ठीक है, जब परमधाम से जब तक खत्म नहीं होगा तब तक यहाँ से कोई नहीं जा सकता है। ठीक है, जानो मनो मिला भी होगा लेकिन अभी कितना संकट है परमधाम में आत्मा आने में। 2036 तक आप ही रहेंगी या उससे पहले ही जाना शुरू हो जाएगा? सारी दुनिया का विनाश जो है वो लास्ट एटमिक विस्फोट होंगे आखिरी तब होगा या पहले ही हो जाएगा? जैसे रावण को जलाते हैं तो पहले थोड़े थोड़े फटाके फटते रहते हैं और लास्ट में एक साथ सारे ही फट पड़ते हैं। जैसे दीपावली पर बच्चे थोड़े थोड़े बम्बियां छोड़ते रहते हैं, थक जाते हैं तो क्या करते हैं, एक साथ सारे ही छोड़ छाड़ के सो जाते हैं। तो ऐसे ही जब बहुत तंग हो जाएंगे विनाशकारी तो क्या करेंगे, एक साथ सारा ही धमाका कर देंगे। तब तक सभी आत्माओं को सूक्ष्म वतन में ठहरना पड़े। बाबा है जन्म भी नहीं होता और उसको मृत्यु भी नहीं होता। निश्चय होता है उसको, मृत्यु भी नहीं होता और भी जन्म भी नहीं होता। शंकर को निश्चय होता है। अरे है ध्रुवता रहा है फिर वो किसी के चक्कर काटता है क्या? जो भी सितारे हैं वो सब चक्कर काटने वाले हैं लेकिन ध्रुव तारा कोई का चक्कर नहीं काटता। सारे सितारे रूपी आत्माएं हीरो पार्टधारी के आसपास चक्कर काटते हैं। ड्रामा होता है तो जितने भी पार्टधारी होते हैं वो किसके आसपास चक्कर काटते हैं? हीरो पार्टधारी के आसपास चक्कर काटते हैं। ऐसे ही ध्रुव तारा है हीरो पार्टधारी, सब उसका चक्कर काटने वाले हैं, वो किसी का चक्कर काटने वाला नहीं है। हाँ। मुझे ने बोला है कि शंकर का ऐसा ही वाला कुछ पार्ट है जो तुम बच्चे विश्वास नहीं कर सकेंगे, समझ नहीं सकेंगे। वाला कुल क्यों बना गया है, इतने जितना पॉइंट भी है आप कुछ बताइए। बताइए के तो ऐसे सब लोग रहते हैं क्या? तो ये वंडरफुल है, जो काम ऐसा अजूबा करूबा हो जो कोई दूसरा न कर सके उसको कहते हैं तुरिया। जैसा पार्ट और कोई बजा न सके, वास्तव में वो पार्ट बजाने वाली शिव की सोल है या शंकर की सोल है? कौन सी सोल है तुरिया पार्ट बजाने वाली? शिव की सोल है, लेकिन भक्तों ने नाम किसका लगा दिया? देहधारी का नाम लगा दिया। और दीदी का क्या पृथ्वी का नहीं, आकाश में ओजोन किरण है। ओजोन जब फटता है तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आती हैं।
क्या उसका नाम रखा है? ओजोन। ओज कहते हैं रजवीरी की शक्ति को, ओजवान, वीर्यवान, प्रतिभावान। तो ओजोन की परत है जो पृथ्वी को और आकाश को चारों ओर से घेरे हुए है। जिसके आधार पर पृथ्वीवासियों के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता सूर्य की किरणों का। जब वो ओजोन किरण फट जाती है तो बुरा प्रभाव पड़ता है सूर्य की किरणों का। बीच में ओजोन होना जरूरी है, तो वो ओजोन कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जो ब्रह्मचर्य की शक्ति है, पवित्रता की पावर है, उसकी भी कोई मर्यादा है, सीमा है। वो सीमा जब टूट जाती है सीमा टूटने के बाद सूर्य की किरणें कहर बरसाती है, प्रकृति विकराल रूप धारण करती है, पृथ्वी के ऊपर विकृतियां पैदा हो जाती है। पृथ्वी माता है, उसको प्रकृति भी कहा जाता है, प्रकृष्ट रचना है, उसमें पॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। ओजोन को फटना नहीं चाहिए, इतनी अति नहीं करना चाहिए विचार की। जो ओजोन फट पड़े और पृथ्वीवासियों का जीना दूभर हो जाए, हाँ खत्म हो जाता है। शनिदेव जैसे नौ ग्रह हैं, वैसे ही एक ग्रह का नाम शनिदेव भी है। कुछ अच्छा असर डालने वाले हैं, दाई ओर के हैं, कुछ बुरा असर डालने वाले हैं, बाई ओर के हैं, कोई बाम मार्गी है, उल्टा रास्ता ग्रहण करने वाले। तो जो उल्टा रास्ता ग्रहण करने और कराने वाले हैं, उनमें शनिदेव भी एक है। उनको प्रसाद जो बांधते हैं, उनको प्रसाद जो बांधते हैं सोनी का, जो प्रसाद बांधते हैं, मतलब उसको जो भोग बांधते हैं, वो खाने के बाद हाथ पास धो के ही घर में आना पड़ता है। हाथ पास धो के, हाथ पास धो करके मन सफा सुथरा होकर घर जाना पड़ता है। देवी होता है, वो भोग खाने से क्या होता है, उसको ऐसे ही चला आते घर, लेकिन उसको भोग खाने से नहाना पड़ेगा, हाथ पास धोना पड़ेगा, फिर घर जाना पड़ेगा। ठीक है, उसका प्रसाद सब कोई थोड़े ही खा पाएगा। पहले बुद्ध रूपी हाथ धो अच्छी तरह से। हाथ और पांव को बुद्धि का मिसाल दिया जाता है,
जैसे हाथ से कोई चीज कैच की जाती है, वैसे बुद्धि से कोई बात कैच की जाती है, कोई रहस्य कैच किया जाता है। जैसे पांव से चला जाता है, वैसे बुद्धि रूपी पांव से पहुंच का कहीं पहुंचा जाता है। कहते हैं तुम्हारे बुद्धि रूपी पांव की पहुंच हमारे गुरु तक नहीं है, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो पांव का मिसाल दिया जाता है। उनके बाद आधी अभी देखा जा रहा है काली माता का जो छवि है और सोनी माया सोनी महाराज के पास आ गए थे। हाँ हाँ जी हाँ जी। वो अभी क्यों रहते हैं? सोनी मंदिर के बाद सोनी देवता के पास काली देवी को जो शनि का रूप स्वरूप दिखाया गया है उसमें काला रंग विशेष दिखाया गया है, और महाकाली का जो रूप स्वरूप दिखाया गया उसमें भी काला रंग विशेष दिखाया गया, और जो इस्लाम धर्म मुसलमान है उसमें भी स्त्रियां जो विकृत रूप धारण करती हैं उसकी निशानी क्या दिखाते हैं? बुरका पहनते हैं। और इसलिए तो काली को तो इस दुनिया में होली का रंग दिखाते हैं। हाँ जी। तो ये सब क्या जो 33 करोड़ का अंदर जो 10 करोड़ का अंदर है या 33 करोड़ लास्ट में आने वाला जो 23 करोड़ का अंदर है? सूर्य और चंद्र के अलावा वृक्षपति को छोड़ करके जो भी हैं वो सब अपनी अपनी दशाएं बदलते रहते हैं। जैसे अभी जो मनसा देवी है जंगल में पूजा होता है उसको भी कुंड में माना जाता है, और उसको भी ऐसा है जो बिगड़ा रूप भी देखा था खुद ही खाता है खुद ही दवा देता है, वैसा ही निकलता है। हाँ, तो आत्माओं की ही निशानी है पुरुषार्थ की। तो उसी क्या वो 23 करोड़ का अंदर ही है कैसे शिव का पताया पन्ना है जैसे खोद में लिया हुआ है आज मंदिर में सुबह में सुना जो नौलाख आत्मा जो सूरत जन्म लेने वाला होगा कहाँ 9 लाख आत्मा है और कहाँ 23 करोड़ अंतर नहीं होगा। 9 लाख हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी और बाकी करोड़ों देवताएं हैं वो कौन से वंश के हो गए? सब और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हो गए। और काली और हमारा मनसा देवी पूजा होता है उन लोगों के पास जितना जटा भी बांधते हैं और जितना भी दूध पेट भी आ जाते हैं आपसे कवच भी देना शुरू करते थे उल्टा पीना केवल समय माए हूँ केवल समय बाहर हूँ कभी खाना पीता है तो ये काली और मनसा देवी पर दूध पेट क्यों आ जाता है? दूध पेट क्यों आ जाता है? काली का जो रूप है वो नीचे जातियों में पूजा जाता है या ऊंचे ब्राह्मणों में पूजा जाता है? चोर डकैत ये महाकाली की पूजा करने वाले हैं। वैष्णव पंथी जो होते हैं वो महाकाली की पूजा नहीं करते हैं। उनका खान पान शुद्ध होता है। जिनको अन्न दोष और संग दोष लगता है वो ही उसकी पूजा के क्षेत्र में आते हैं। तो काली भी बहुत किस्म का है, श्यामा काली है, भद्र काली है, सुशांत काली है, मसान काली है, तो काली भी बहुत किस्म का होगी क्या? इनका पता है क्या? काली का ज्ञान भी ज्यादा किनको होगा? जो काली के पुजारी होंगे उनको काली का ज्यादा ज्ञान होगा। अपने अम्मा बाप का ज्यादा ज्ञान किसको होता है?
है, जो उसके बच्चे होते हैं उनको अपने माँ बाप का, अपने पूर्वजों का ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। और अरे बातें ना करो, चुपचाप निकल जाओ। দুর্গা দেবী এখান থেকে এইটুকা আছে দুর্গা বা মায়ের, আর উপরটা আছে জগন্নাথ দেবের মন্দির, আর তার উপরে মাথার উপরে আছে সাতটা সাতের কোনা, হ্যাঁ, আর সেই দুর্গার আটখানা হাত, মানে দাদা বা ওই শঙ্কটঙ্ক এর উপরে আটখানা রয়েছে, বাঘ আছে অপন্ত এটি চিত্র দেখা বাবা, হ্যাঁ দুর্গা মাকে চিত্র দেখা, হ্যাঁ চিত্র মে নিচে দুর্গা কা হ্যায় উপর হ্যাঁ দিখায়গা উপর মে নিচে হগন্নাথ কাজে হুর্গা চিত্র দেখা ক্যালেন্ডার চিত্র জগন্নাথ। আরে বিশ বাতো কি এক বাত হ্যাঁ, বাবা নে মুরলি মে বোলা হ্যাঁ, ভক্তি মার্গ মে ঢের কে ঢের চিত্র বনায়ে হ্যাঁ মায়া কি মত পর। मुख्य चित्र कौन से हैं जिन पर हमें मनन चिंतन मंथन करना है? तो माया की मत पर जो ढेर के ढेर चित्र बनाए गए हैं उनका अगर ज्यादा मनन चिंतन मंथन करेंगे तो बुद्धि भटक जाने की संभावना है। इसलिए बोला है कि शास्त्रों में जो असली चीज है वो मैं निकाल करके बताता हूं और बाकी सब है भूसा। शास्त्र पहले बने या चित्र पहले बने? पहले शास्त्र नहीं बने, पहले चित्रकारी निकलती है, क्योंकि सतयुग में भी त्रेता में भी चित्रकला चलती है। खेलते हैं, ये उनकी कला है, संगीत कला, चित्र कला, नृत्य कला, जिंदगी के मजे लेते हैं। सात्विक स्टेज है और हाँ जी।